हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चारुक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग छोटा सा एक वीडियो में जानकारी लेना चाहते हैं कि शरणागति की अवस्थाएं क्या होती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की एक किताब है, उसमें लिखा है शरणागति की छह अवस्थाएं। शरणागति की छह अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला क्या है? भक्ति के अनुकूल अवस्थाओं को स्वीकार करना। भक्ति के अनुकूल जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको स्वीकार करना। दूसरा क्या है? भक्ति के जितने भी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं उन्हें त्याग देना। जैसे ज़्यादा सोना भी भक्ति के लिए, जैसे अन्य गपशप बात करना, भगवान के अलावा बात करना, ये सब प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, इसको त्याग देना। तीसरा, भक्ति के संरक्षण में अचल विश्वास होना। भक्ति भगवान के संरक्षण का, भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब किसका सेवा करना है? भगवान का। भगवान के संरक्षण में पूर्ण विश्वास होना कि भगवान मेरा संरक्षण कर रहे हैं। इतना जिसको विश्वास है, फेथ है, वही भगवान का शरणागति है, उसे ही शरणागति है। यदि भगवान के भगवान पर विश्वास नहीं है तो शरणागति नहीं कर सकते हैं। और फिर इसके बाद चौथा पॉइंट का है, एकमात्र भगवत कृपा पर आश्रित रहना। चौथा क्या कर रहे हैं, शरणागति का अर्थ क्या है कि एकमात्र भगवत कृपा पर, किसी पर भी सहारा नहीं लेना, केवल भगवान पर कृपा, भगवान पर कृपा, भगवान के सहारे ही रहना, इसे बोलेंगे शरणागति। किसी से भी कोई एक तिल भी सहारा नहीं, ओनली फॉर गॉड, ओनली फॉर कृष्णा पर विश्वास होना, उसे बोलेंगे शरणागति। हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है उसको मैं श्री कृष्णा से जोड़ूंगा, यही क्या है, एक शरणागति का पहचान है। उसके बाद कह रहे हैं पांचवा क्या है, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वार्थ न रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है पांचवा कि भगवान की सेवा के अलावा हमें कुछ भी करना है, भगवान की सेवा से जोड़ना है। भगवान की सेवा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सेवा के बारे के अलावा हमको कुछ नहीं सोचना चाहिए। भगवान के लिए हम फूल तोड़ना, भगवान के लिए गार्डनिंग करना, भगवान के लिए फार्मिंग करना, भगवान के लिए डीटी बनाना, भगवान के भक्तों के लिए घर बनाना, इतना ही सोचते हैं तो भगवान की सेवा के तहत अन्य कोई भी स्वार्थ न रखना, तो एक पॉइंट आ जाएगा। अब हम देखते हैं छठा क्या है, सदा विनम्र एवं दीन भाव रखना। भगवान के जितने भी शरणागत भक्त होते हैं उनका छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का विनम्र होते हैं, एकदम विनम्र होते हैं, एकदम हम्बल होंगे। कोई भी कुछ बोल देता है सब हरी कृपा कह के छोड़ देते हैं, हरी कृपा, हरी इच्छा कह के छोड़ देते हैं। और दीन भाव, दीन का यहाँ मतलब बहुत छोटा नहीं है, ऐसा नहीं कि भक्त हैं तो दीन भाव मतलब छोटा रहेंगे, मतलब वो अपने आप को बहुत ग्रेटेस्ट रहते हैं पर भी अपने आप को बहुत छोटा महसूस होने देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटे हैं लेकिन पर भी वो बहुत बड़े होते हैं। ये था शरणागति की छह अवस्थाएं। हम लोग एक बार फिर चर्चा करते हैं सरसरी निगाहों में कि भगवान के अनुकूल जितनी भी अवस्थाएं उनका पहला क्या है, भगवान के अनुकूल जितनी भी अवस्थाएं उनको स्वीकार करना। दूसरा, भगवान के प्रतिकूल जितनी भी अवस्थाएं उनका त्याग करना। भगवान पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भगवत कृपा पर आश्रित रहना, एकदम विनम्र और हम्बल रहना, ये भगवान के शरणागति के भक्तों का लक्षण है। हरे कृष्णा। आप लोग को ये टॉपिक छोटा सा बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग। हरे कृष्णा।